वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। टीलेज इंक्रीजेज दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इल्ड फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल बट रिड्यूस बल्क डेंसिटी। ठीक है, टीलेज जो ऑपरेशन है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, पानी के जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और इनफिल्ट्रेशन को भी, लेकिन जो बल्क डेंसिटी है उसको कम करता है। ठीक, नेक्स्ट है, वेट लैंड प्लाउ इज स्मॉलेस्ट ऑफ द वुडन प्लाउज। इट यूज्ड इन पडल सॉइल एंड एफिशिएंसी इज 0.1 हेक्टेयर फॉर 8 आवर्स। जो वेट लैंड प्लाउ है वो सबसे छोटा वुडन प्लाउ रहता है, लकड़ी का रहता है। ठीक है, जो पडल सॉइल्स कंडीशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, पडलिंग करने के लिए, और उसका जो एफिशिएंसी है वो 0.1 हेक्टेयर का रहता है, जो 8 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, पडलिंग, ये है वेट लैंड प्लाउ। नेक्स्ट है, द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजम। मतलब जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इरिगेशन का, ठीक है, वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिलीज करके। ठीक है, नेक्स्ट है, स्प्लिटिंग ओपन ऑफ ए पॉड और फ्रूट इन करेक्टरिस्टिक मैनर एट मैच्योरिटी इज नोन एज डेहिसेंट। एग्जाम्पल, पोड्स ऑफ पल्स। मतलब स्प्लिटिंग क्या है? ये है जो फ्रूट पॉड या जो फ्रूट रहता है उसका जब मैच्योरिटी होता है तो वो ब्रस्ट हो जाता है या फूट जाता है, तो वो कहलाता है डेहिसेंट। ठीक है, जैसे पल्स में होता है, पल्स का जो पोर्स रहता है उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ लेथाइरस कॉसेस अ डिजीज नोन एज लेथाइरिज्म एस इट्स ग्रेन्स कंटेन BOAA। ठीक है, BOA क्या है? न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक, मतलब जो अगर लेथायरस का हम लोग, लेथायरस मतलब तिंवड़ा का, अगर हम कंटिन्यूस उसको खाते हैं तो लेथायरिज्म होता है, जो डिजीज़ होता है उसके खाने से वो है लेथायरिज्म। और उसमें क्यों होता है? ये न्यूरोटॉक्सिन के कारण। क्या बोलते हैं उसको? BOAA, बेंजो ऑक्जिलिन एसिड, ऑक्जिलिक एसिटिक एसिड, ये इसका केमिकल है। ठीक है, जो लेथायरिज्म को कॉज करता है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर इज प्रीफर्ड टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रेन मैन्योर सॉइल इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर प्रीफरली यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप वो कौन सा है? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक, नेक्स्ट है, द कैटल कंज्यूमिंग ग्रासेस ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीशियमिया, कॉमनली कॉल्ड एज ग्रास टेटिनी। ठीक है, जो कैटल जो रहता है वो ऐसा घास खाता है जिसमें मैग्नीशियम का जो क्वांटिटी है वो कम रहता है, तो उससे क्या होता है? हाइपोमैग्नीशियमिया होता है, जिसको ग्रास टेटिनी भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, वेदर इज अ स्टेट आर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेदर किसको कहते हैं? ये एटमॉस्फेयर का कंडीशन है जो एक स्पेसिफिक प्लेस में और स्पेसिफिक टाइम में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेटेड जर्म्स इन मेज कॉर्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, साइंटिस्ट सेपरेट किए हैं अभी जर्म किसमें से? मेज कॉर्न से। क्या बनाने के लिए? कंट्रासेप्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इंडियाज़ रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ठीक है, शुगर के प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए इंडिया फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट है, द टोबैको कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट एक्साइज रेवेन्यू अमॉन्ग एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन इंडिया। जो एक्साइज रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा टोबैको से आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटी में से, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है उसमें से। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप्ड एंड ग्रोन हाइब्रिड कॉटन कमर्शियली। ठीक है, इंडिया
ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें हाइब्रिड कॉटन का कमर्शियली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द कंट्री। देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉफ़ी का कहाँ होता है? कर्नाटक में। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबेको इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द थर्ड पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टोबेको इन वर्ल्ड। ठीक, लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में टोबेको का वो होता है चाइना में, ठीक है, और इंडिया है थर्ड पोजीशन में प्रोडक्शन में टोबेको के। ठीक, नेक्स्ट है द कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स साइमल्टेनियसली ऑन अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड मल्टी स्टोरीज क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरीज क्रॉपिंग क्या है? इसमें दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करते हैं जो अलग अलग हाइट के होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऊंचाई के होते हैं और स्पेसिफिक लैंड में करते हैं स्पेसिफिक पीरियड में, तो वो कहलाता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, है ना। नेक्स्ट है नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ राइस 1 हेक्टेयर फील्ड इज 0.10 हेक्टेयर। नर्सरी एरिया कितना चाहिए 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए? 0.10 हेक्टेयर एरिया, ठीक है, 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए 0.10 हेक्टेयर नर्सरी एरिया चाहिए। नेक्स्ट है द टिप बर्न ऑफ पेडी इज ड्यू टू रिड्यूस्ड ओ टू एंड एन टू अंडर सबमर्ज कंडीशन। जो टिप बर्न होता है राइस में या पेडी में क्यों होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिड्यूस होने के कारण, ठीक है, ओ टू और एन टू के कम होने के कारण। नेक्स्ट है मेज लीफ डेवलप रेड एंड पर्पल कलर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। जो मेज लीफ में पर्पल कलर जो आता है, पर्पल लीफ ऑफ मेज या रेड कलर, वो क्यों आता है? फास्फोरस के डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है द साइज ऑफ थॉमसन सीडलेस ग्रेप इंक्रीज्ड बाय द हार्मोन। कौन सा हार्मोन? GA3, जिब्रेलिक एसिड से जो थॉमसन सीडलेस है, ठीक है, सीडलेस ग्रेप है, वो उसका साइज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हार्मोन GA3 से। नेक्स्ट है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट इज केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। जो PA में है क्यों यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट है ज्वार इज नोन एज कैमिल क्रॉप या किंग्स ऑफ कोर्स ग्रेन्स। जो ज्वार है उसको हम कैमल क्रॉप भी बोलते हैं या जो कोर्स ग्रेन है उसका राजा कहते हैं, किंग्स ऑफ कोर्स ग्रेन्स। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू हैव कमर्शलाइज द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इंडिया है वो सेकेंड है हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए आफ्टर चाइना, ठीक है, चाइना के बाद। HD2329 वीट वैरायटी कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका हुआ है? HD2329 वैरायटी का, वीट का, गेहूं के, ठीक है, क्यों हुआ है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। फिर नेक्स्ट है प्लांट रेक्टेंगुलरिटी इज क्या है? ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अपॉन रो टू रो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? प्लांट रेक्टेंगुलरिटी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ऑफ को डिवाइड करते हैं रो टू रो डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है इन वाटर इरोजन 3 मीटर डीप मोर देन 18 मीटर वाइड गली इज नोन एज स्मॉल गुलीस। स्मॉल गुली कब कहलाएगा? जब वो जो वाटर इरोजन है वो 3 मीटर डीप रहेगा और 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई रहेगा, तो वो कहलाएगा स्मॉल गली। नेक्स्ट है 3 to 9 मीटर डीप विथ 18 मीटर और मोर साइड स्लोप 8 to 15% इज नोन एज मीडियम गुली। मीडियम गुली के कौन सा कहलाएगा? इसमें जो गहराई है वो 3 से 9 मीटर रहेगा डीप, चौड़ाई रहेगा 18 मीटर से ज़्यादा, ठीक है, 18 मीटर या उससे ज़्यादा, और स्लोप रहेगा 8 से 15%, तो ये कहलाएगा मीडियम गली। फिर है द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स आर कमिंग कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड, ठीक है, जहाँ से हवा आएगा उसको कहलेंगे विंडवर्ड साइड।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक मेजर्स यूज टू रिड्यूस इरोजन वेयर स्लोप इज लेस देन 2%। इकोनॉमिक जो मेजर्स है उसको तब यूज़ करते हैं जब स्लोप 2% से कम रहता है इरोजन को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेंच टेरेसिंग यूजुअली प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33%। बेंच जो टेरेसिंग मेथड है स्लोप में उसको कब यूज़ करते हैं जब जो स्लोप रहता है वो 16 से 33% तक रहता है तब, ठीक। नेक्स्ट है द हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इन द कंट्री इज रफ़ी अहमद किडवई अवार्ड। जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा अवार्ड है? रफ़ी अहमद किडवई अवार्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए। नेक्स्ट है ओवर द ईयर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन डिक्रीजिंग। जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो ईयर बाय ईयर कम होते जा रहा है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटिंग इन विच 5-year plan। कौन से 5-year plan में इसको इनिशिएट किया गया था एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग को? 7th 5-year plan में 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाई ब्लू ग्रीन एल्गी विथ वाटर फर्न एजोला, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है? एजोला से, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी राइस फील्ड में, है ना। फिर नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग हैज़ मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन। कौन से पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन रहता है? क्यूबॉइडल पैटर्न में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कल्टिवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कॉम्पिटिशन इज नोन एज पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग क्या है? इसमें कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स का जो जिसका जो नेचुरल हैबिट है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है, और कॉम्पिटिशन भी नहीं रहता है उन क्रॉप्स के बीच में, तो ये कहलाएगा पैरेलल क्रॉपिंग। द वैरायटी ऑफ वीट विच इज़ रेजिस्टेंट टू ऑल द 3 rust इज छोटी लर्मा। कौन सा वैरायटी है जिसमें वीट का जिसमें 3 rust से रेजिस्टेंट रहता है? वो है छोटी लर्मा। नेक्स्ट है इन शुगर केन टेकिंग अप रेतून क्रॉप इज एडवाइजेबल ओनली वंस, ठीक है। शुगर केन में जो रेतून क्रॉप लेंगे वो सिर्फ एक बार लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्रीकल्चर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं दूसरे एग्जाम्स में उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।